शहर निजामबाद के मालाब अली मुजाहिद नगर के दो कम सिन बच्चे कार में दम घुटने की वजह से फौत हो गए। मुश्तबा हालत में उन बच्चों की नाश सुबह की अवलिन सातों में बरामद हुई। वाजिर है कि ये दो कम सिन बच्चे गुज़िश्ता रोज दोपहर से लापता थे। मुजाहिद नगर के मोहम्मद बद्रुद्दीन उमर 5 साल, सैयद रियाज उमर 10 साल दोपहर से लापता थे, जिस पर उनके वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन बच्चों का कोई भी पता नहीं चल सका। इस बारे में बच्चों के वालिदैन छानबीन कर रहे थे कि पुलिस ने इतला दी कि बच्चों की नाश कार में मौजूद है, जिसमें पुलिस ने बताया कि बच्चे खेलने के दौरान कार में बैठ गए थे और डोर लॉक हो जाने की वजह से बाहर निकल नहीं सके और दम घुटने की वजह से ये फौत हो गए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दम घुटने की वजह से फौत होने की रिपोर्ट हासिल हुई है। और ये दोनों बच्चे इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद बद्रुद्दीन 5 साल के वालिद मोहम्मद यासिनुद्दीन पेंटर हैं और सैयद रियाज के वालिद सैयद रशीद नेहरू पार्क में साइकिल मैकेनिक हैं। मस्जिद अक्सा के करीब पार्क की गई AP09BG211 कार में ये दो बच्चों की नाश पाई गई। मालिक कार का कहना है कि रात 3 बजे कार में मौजूदा बच्चों की नाशें देखकर पुलिस को इतला दी गई। शहर निजामाबाद में इस वाक़े के बाद सनसनी फैल गई। बड़ा गया, छोटा गया।